अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान और कुफारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। इस बार जब सरकार की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जहाँ पे जो रूल्स हैं उनकी वाइडनिंग होती जा रही है, बहुत से ऐसे रूल्स जो हमारे यहाँ पे पेंडिंग थे उन रूल्स में मैटरलाइजेशन भी हुई, लेकिन एक ऐसा रोड है जो पिछले कई सालों से सिर्फ बन रहा है, अब तक ना ही मुकम्मल हो रहा है और ना ही उसको किसी तरह से जहाँ जिस पॉइंट पर छोड़ा गया उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ आप विजुअल्स में देखिए, ये एक रोड है, इसको बाईपास के पैरेलल जो लोला बाईपास है उसके पैरेलल में और एक बाईपास बनाई गई है ताकि यहाँ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं जो ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसको किसी तरह से कम किया जाए। खसूसी तौर पर जो श्रीनगर या और जो नीचे वाले इलाकों से गाड़ियाँ आके लोलाब जा रही हैं या लोलाब से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी, वो इसी रोड से आती ताकि ट्रैफिक जो है वो टाउन का कम हो जाता जब ये वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा यहाँ से फ्लो हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बिटवीन जो टसल रहती है क्लियरेंस को लेके, 2019 में यहाँ पे जब इसका काम शुरू हुआ उसके बाद जो आप पीछे ये थोड़े से विजुअल में देखिए, जो ये थोड़ी सी जंगल की ज़मीन है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एतराज़ उठाया कि क्लियरेंस नहीं मिल रहा है और करीबन 2 साल इसको सेटलमेंट में लग गए, बिल आखिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिला, जो उनकी तरफ से डिपार्टमेंट की जानिब से आरएनवी डिपार्टमेंट की जानिब से जो कुछ भी उन्हें उन्होंने कागजात बनाने थे वो पूरे किए, लेकिन तब से लेके आज तक अब 1 साल और गुजर जाने के बाद इस रोड पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। जब हम इस लोला बाईपास की बात करेंगे, जिस वक्त जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ इसके आगे अगर आप देखेंगे गियर है जिसे आगे रोड बहुत ज़्यादा खस्ता है और यहाँ पे जो इस पुल की आगे वाली रोड है उसको फ़िलहाल के लिए जो है खड्डे भर दिए गए हैं और लेकिन जो इसके आगे वाला इलाका है जो इसके आगे वाली रोड है उसमें कोई भी नज़रसानी नहीं हो रही है। अगर ये रोड यहाँ पर बनती जितने भी इसमें पैसे लगे हुए हैं या लगेंगे और कम से कम इतना ज़रूर होता, एक तो ये कि जो लोलाब से आने वाली गाड़ियाँ श्रीनगर या दूसरे मुजफ्फरपुर इलाकों में जा रहे हैं उसकी वजह से उन्हें सहूलत होती, और दूसरा ये कि टाउन का ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद ही इन चीज़ों को लेकर सोच रही है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि आखिर ये देखा जाए कि लोगों को किस तरह से सहूलत बहम फराह। लोलाब बाईपास का काम अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ है, लेकिन जानने में आया है कि मैंने पर्सनली जब आप इस ठेकेदार कंसर्न ठेकेदार से बात की तो उनने कहा है कि एनओसी की वजह से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एनओसी की वजह से काम रुका पड़ा है क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट ने अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं हासिल की है। अगर ये स्ट्रेच कंप्लीट होता है, थोड़ा सा एक तकरीबन 500 मीटर का स्ट्रेच है, अगर ये कम्प्लीट होता है तो ये लोलाब के लिए पूरी कंस्टिट्यूंसी के लिए शहरक का काम करेगी और जो पूरा तकरीबन 50% ऑफ द ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट होगा, जिससे कोपारा मार्केट मेन मार्केट में मैस क्रिएट नहीं होगा, पार्किंग स्पेसेस जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, छापड़ी फरोश की वजह से जो मसला खड़ा होता है, ट्रैफिक की वजह से जो मसला खड़ा होता है, ओवरबर्डन जो कोविड का महामारी चल रही है इस वक्त उसके जो खतरात लाक हैं वो कम हो सकते हैं। लिहाजा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जल्द से जल्द इस रोड को बहाल। मशहूर है कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाया और आपने हमें थोड़ा टाइम दिया, इसलिए कि ये जो ये इशू है इस वक्त जो हम रेज करने जा रहे हैं, उठाने जा रहे हैं, वो है लोला पार्लर बाईपास जो ओल्ड ब्रिज से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, जो मतलब ट्रैफिक मैस की होने की वजह से सरकार ने उस वक्त की गवर्नमेंट ने, PDP गवर्नमेंट थी उस वक्त, महबूबा मुफ्ती साहिबा थी उस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने ये उठाया था, ये तो उस वक्त अब्दुल्ला खान साहब भी मिनिस्टर थे, उन्होंने उठाया था ये, फिर इसकी टेंडरिंग भी हुई बाज़ेबता तौर पर, कंट्रैक्ट भी अलाट हुआ, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि पिछले 3 सालों में ये काम पाई तकमील तक नहीं पहुँचा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहस्ती शहरी कुपारा का पुश्तनी बाशिंदा होने के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ LG गवर्नमेंट से कि अगर आप दावे ये कर रहे हो कि हमने फलानी जगह पर ये प्रोजेक्ट पाई तकमील पहुंचा दिया, हमने इतने पैसे रिलीज़ किए हैं, इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमें ये सब कुपार, मैं ये जानना चाहता हूँ LG गवर्नमेंट से कि ये प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा है, जबकि इसके पैसे भी अवेलेबल है, टेंडर्स भी हो चुके हैं, 2-3 साल से ये काम चल रहा है,
लेकिन अभी 20-30% काम भी नहीं हुआ है। बदकिस्मती से ये बार बार कहना पड़ता है कि लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, अगर कोई लोलाब से आता है, कोई उसमें कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी या कोई दूसरा इमरजेंसी केस होता उसमें, जो जिसकी इतनी इमरजेंसी होती वो मतलब डायरेक्टली वो यहाँ से श्रीनगर रेफ़र किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है इसलिए कि उस वक्त गवर्नमेंट ने ये एकदम उठाया था कि हम यहाँ पैरेलल बाईपास बनाएंगे, जो बिल्कुल रुका पड़ा है। अगर वो गाड़ी बाज़ार से जाती, बाज़ार में तकरीबन उसको एक घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा पास होने में लगता है, उसके बरक उस लिहाज से उसको मद्दनज़र रखते हुए उस वक्त की गवर्नमेंट ने, महबूबा जी ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थी, अब्दुल्ला खान साहब थे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने लिया था, लोगों की डिमांड थी कि यहाँ से ऐसा होना चाहिए था, काम शुरू हुआ था, अलर्ट हुआ था, फंड्स इसके लिए वागुजार किए गए थे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एलजी गवर्नमेंट से ये जानना चाहते हैं कि काम क्यों रुका पड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डीसी साहब, वर्दी डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन साहब से ये मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कुपवारा के लोगों की तरफ से कि इस रोड पर जो ये पैरेलल बाईपास यहाँ पर टेंडर्ड हो चुका है, काम जो इसका काम जो शुरू हो चुका था लेकिन बीच में रुक पड़ा है, ये वो इस पर नज़रसानी करे और इसका काम दोबारा चालू, इसकी सही बुनियाद रखी गई है। तब से बहुत उस टाइम बहुत खुशी हुई है कि ये हमारे जो हमारे मुश्किलात हैं इसका अजाला हो जाए। हम कई बार डी साहब के पास कई बार इस बारे में गए थे, क्योंकि अंशुल गर्ग उस टाइम डी साहब था, उसके पास हम गए थे कि उससे उसके नोटिस में ये लाए थे, उन्होंने बोला कि ये काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम इससे उनसे मिले, उनका ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इससे मिले हम, इसलिए बोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मसला है कि NOC नहीं मिल रही है। जब लोलाब से तकरीबन हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आ रही हैं, हज़ारों की तादाद में सीधे से आ जाती है फिर बिल्कुल सिटी में, बहुत मुश्किल है इस वक्त, ज़बरदस्त मुश्किलात में हम, क्योंकि बर्फ़ के महीने में जब बर्फ़ पड़ती है तो उस टाइम हमें बहुत मुश्किल वहाँ से गुजरना पड़ता है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि उस टाइम फिर हमें कैंप से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये पुल जो है बिल्कुल दो गाड़ियाँ इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर रही हैं, ये सिंगल पुल सिंगल है। तो इसलिए हम आपकी वसादत से, गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इसका अजाला। जो कुपवारा से लोलाब का जो बाईपास बन रहा है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल प्रोजेक्ट कास्ट जो है 199 लाख है, और जिसमें से पिछले साल जो है 77 लाख जो है खर्चा हो चुका है, और RNB ने शदोमद से इस पे काम शुरू किया था, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो यहाँ कंजेशन होती है कुपवारा मार्केट में उसको मद्देनज़र रखते हुए, और लोलाब की जो यहाँ से पीछे तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब जो आबादी है उनको ईज़ आउट करने के लिए एक पैरेलल बाईपास जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें इस साल भी कैपेक्स बजट में जो है 18 लाख रुपया जो है हमने रखा हुआ है, और जिसमें 50% ऑलरेडी रिलीज़ किया हुआ है, जिसमें हमने RNB को डायरेक्शन दी है कि इमीडिएटली इस इम्पॉर्टेंट काम पे दोबारा से काम रिस्टोर किया जाए, और सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस कैपेक्स के 2 साल के अंदर मुकम्मल करने हैं, और जिसमें ये भी एक प्रोजेक्ट है, और इसमें एश्योर्ड फंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को ये शक हो कि भाई इसमें पैसा नहीं आएगा, अगले साल बाकी बैलेंस अमाउंट इसमें प्रोजेक्ट में रखा जाएगा और कम्प्लीट किया जाएगा। अलबत्ता जो है फिज़िकली ये इस साल इसको कंप्लीट कर सकते हैं, फाइनेंशियल अगले साल चूंकि अलॉटेड वर्क है, लेकिन चूंकि इसमें फॉरेस्ट का कुछ एरिया आता था जिसकी की वजह से थोड़ा सा इसमें इल्तवा में हो गया, और कोविड की वजह से भी थोड़ा सा बीच में काम जो है स्लो हुआ, लेकिन चूंकि अब RNB डिपार्टमेंट ने प्रवेश जो पोर्टल है जिसमें के थ्रू NOC जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हासिल करनी है उसमें अप्लाई किया हुआ है, और DFO को भी हमने डायरेक्शन दी हुई है, और उसने एश्योर किया है कि मैंने जो अपनी कमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ हैं उसने कंप्लीट की हैं, और चीफ कंजर्वेटर साहब को उसने फाइल भेज दी है। हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है वो बॉटल नेक दूर हो जाएगा और हमें NOC जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिल जाएगी। हावर जो उसके अलावा है, फॉरेस्ट एरिया के अलावा जो काम है उस पर जो है एक्सएन को हमने डायरेक्शन दी हुई है कि इमीडिएटली रिस्टोर करें, और जो ये रिटेनिंग वॉल्स जो हैं जो नाले के और ओल्ड ब्रिज के पास हैं उसके ऊपर इमीडिएटली काम शुरू हो जाएगा।
फ्यूजन डेकोर्स कुपवारा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहां पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, पीवीसी दस्तियाब है। आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स बुधामा कुपवारा। मोबाइल नंबर 9419006182 9797973186। खुशखबरी, कुपवाड़ा में पहली बार ब्रिटको एंड ब्रिटको लेकर आए हैं लॉन्ड्री, जहां पे आप अपने कीमती कालीन और दूसरी मैटिंग भी धुलवा सकते हैं। इसके अलावा यहां पे कार वॉशिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है। आइए बोहीपुरा कॉलेज रोड नजदीक पंप शेड। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवाड़ा, यहां पर आपके मेडिकल टेस्ट तजुर्बाकार माहिरीन के जरिए रियायती कीमतों पर कराए जाते हैं। किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट के लिए आप हमारे पास कभी भी आके अपनी रिपोर्ट्स कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवाड़ा, कॉन्टैक्ट 9622614105। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा। हेलो ब्लू लेक, कॉल Every moment of every day presents a new adventure. That's when life becomes grand. Hello, Blue Link. I want to see the sky. Presenting Hyundai Alcazar. Live the grand life. सबसे बड़ी डील 365 कुपवाड़ा में शादी ब्याह के लिए खसूसी डिस्काउंट, मसाला चाट, बेडशीट्स, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी पर 30% डिस्काउंट दस्तियाब है। जल्दी कीजिए 365 केबीसी मॉल, बाईपास रोड, कुपवाड़ा। कॉन्टैक्ट 8899000365। वेलकम टू 365 कुपवाड़ा बाईपास रोड, केबीसी मॉल। हमारे यहाँ शादियों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। शादियों के लिए मसाले जो है, स्पाइसेस, कुछ भी, कोई भी आइटम है शादियों के लिए जो यूज़ होते हैं, स्पेशल डिस्काउंट है। बेकरी है, मसाले हैं, या कोई और ड्राई फ्रूट्स, कोई भी चीज़ है जहाँ पे जो अवेलेबल है, हर में एक स्पेशल डिस्काउंट मैसर है यहाँ पे। कॉस्मेटिक्स के यहाँ सेक्शन से सेपरेट है लेडीज़ और जेंट्स के लिए। लेडीज़ में हमारे यहाँ लेडीज़ असिस्टेंट अवेलेबल है, यहाँ आ सकते हैं बिना किसी इशू के, आपको यहाँ से कोई भी सुविधा मैसर हो सकती है। ये जेंट्स कॉस्मेटिक्स है, यहाँ पे इस पर भी फुल डिस्काउंट मिलता है आपको। लेडीज़ कॉस्मेटिक्स के लिए, चाहे ब्राइडल कॉस्मेटिक्स हो या और कुछ, वहाँ पे भी आपको।